हमारे यहाँ चची भी महरम, मामू की बीवी भी महरम, चचियों को भी हाथ मिला रहा है। ये नहीं कि गलत नियत है, क्योंकि रस्म है, माँ की जगह पर है भाई, रिश्ते अपनी जगह, लेकिन दीन की हुदूद अपनी जगह। उसने लकीर खींच ली, कौन सा रिश्ता महरम, कौन सा रिश्ता ना महरम है। महरम रिश्तों के साथ जिस्म मिल सकता है, ना महरम रिश्तों के साथ बिल्कुल वैसे है ना महरम खातून, ना तो उसके बालों को देख सकता है। वही हिजाब हिजाब इस्लामी है, हिजाब इस्लामी के कलाइयों तक, और शलवार भी टखनों से नीचे। आजकल फैशन है, हर खातून तबलीगी जमात की नुमाइंदा बनी हुई है। तो दीन को फॉलो करने आया है या फैशन को फॉलो करने आया है? आज फख्र से बोला जाए हम फैशनेबल हैं, तो क्या तुमने कोई बड़ा तीर मार दिया फैशनेबल हो? अली की दरबार में यह नहीं पूछा जाता फैशनेबल हो, अली की दरबार में पूछा जाता है मोमिन हो कि नहीं। वहां ईमान को खरीदा जाता है, पूरी जिंदगी में अल्लाह को राजी कर रहा हूं या शैतान को राजी कर रहा हूं। और यह भी जरूरी नहीं कि हजार लोग मजलिस सुने तो हजार के हजार ही सुधर जाएं, नहीं। पैगाम इमाम हुसैन ने दिया, और उस पैगाम के जरिए से अगर एक बंदा भी और बना, यह हुसैन की कामयाबी है। अंबिया पैगाम तो जरूरी नहीं सारे लोग, क्योंकि हर बंदे का जो अक्ल है वो इतनी मजबूत नहीं होती, हर बंदा अपने नफ्स पे काबू नहीं पा सकता।